हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। धूप आ रही है और मैं एक हफ्ते बाद अपना बाल धुली हूँ और अंदर आपको ये दिख रहा होगा। सॉरी, मैं बाहर अंदर कर लेती हूँ, सॉरी बाहर कर रही हूँ। तो एक हफ्ते बाद मैं बाल धुली हूँ और मेकअप भी मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो मुझे लगा कि आज मेकअप करना चाहिए और कुछ मैं रील्स के लिए तैयार होना चाहती हूँ। तो आज मैं जो प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ ना अपने फेस पे, एक ही कंपनी का है, वो है लैक्मी का। और लैक्मी कंपनी का ही सारा फाउंडेशन, फेस पाउडर, क्रीम, जो भी सब कुछ, मैं लिपस्टिक या काजल कुछ भी जो भी यूज करने वाली हूँ तो सारे लैक्मी के ही हैं। तो आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं प्राइमर ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं जेल का यूज़ करती हूँ। तो एलोवेरा जेल, ऐसे पतंजलि जेल यूज़ करती हूँ। तो ये है लैक्मी का 9 to 5 नेचुरल एलोवेरा एक्वा जेल है ये। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो मैं लगा लूँगी, बहुत ही सुंदर सी पैकेजिंग है इसकी और इसके डिब्बे ना काफ़ी अच्छे हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मिल जाएगा आपको। तो ये मैं चेहरे पे लगा लूँगी। एलोवेरा जेल ना प्राइमर और आपकी स्किन को अच्छा भी कर देगा, तो आप एलोवेरा जेल ज़्यादा यूज किया करो, मैं तो कहूँगी। बल्कि रात में यूज कर लिया करो एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल मैं लगाती हूँ और ये काफ़ी, यार इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का फाउंडेशन और मेरा नेचुरल कलर है, तो मैं ब्रश का ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ऐसे, मुझे उंगलियों से मेकअप करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये फाउंडेशन, फाउंडेशन को जैसे जैसे टैप करके लगाएंगे ना, टैप टैप करके, तो वैसे ही एक तरफ इसको अच्छे से चेहरे पे मिलाते भी जाएंगे, कि ये नहीं करेंगे कि चारों तरफ चेहरे पे लगा लिया फिर मिलाएंगे बाद में, इसे सूख जाता है। जहाँ भी फाउंडेशन लगाए तो अच्छे से उसको लगा फेस पे मिला लें। ये मैंने लैक्मी का फेस पाउडर लिया है, लैक्मी सन एक्सपर्ट SPF 40 UVB, और ये नॉन स्टिकी एंड सन प्रोटेक्ट करता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें मिरर दिया हुआ है इस तरीके से और इस तरीके से लगाने के, तो मैं अच्छे से लगा लूँगी। तो ये मैंने लगा लिया है और अब मैं, और ये मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, वेट एंड वाइल्ड का ये मैं लगाती हूँ आईब्रो फिल करने के लिए। ये काफ़ी अच्छा है और अब मैं थोड़ा सा ये लिया है मैंने लैक्मी 9 to 5 प्योर ब्लशर है ये, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। इसमें इस तरीके से ब्रश दिया हुआ है ये, तो इसको मैं निकाल लूँगी। ये पिच कलर में आएगा थोड़ा सा ना, मैं उंगलियों से लगा लेती हूँ, यार मुझे सही लगता है इसको।
और इसी में से मैं अपने इसको थोड़ा सा पिंक पिंक कर लूंगी। और मेरे पास लैक्मी का आई शेडो भी है, मिनी आई शेडो, अगर आप उसका आप लिंक मांगेंगे तो मैं दे दूंगी। तो इस तरीके से मैं ब्लश लगा लिया है और इस तरीके से मैं काजल लगा लूंगी। अब मैं लाइनर लगा लूंगी। ये मैं लिपस्टिक लगा लूंगी। इसमें से जो भी चाहिए, ये है 9 to 5 करके ब्लैक आईलाइनर है और वाटरप्रूफ है ये। इस तरीके से आपको चाहिए होगा या मस्क ये फाउंडेशन चाहिए होगा या लैक्मी एलोवेरा जेल या फिर 9 to 5 ब्लशर या फिर आपको ये लैक्मी का कलर आप देख सकते हो इस तरीके से। मुझे ना सच बताऊं तो मुझे धूप में कुछ नहीं दिख रहा है। मैं मेकअप तो करती जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। ये और काजल का और सारे के सारे लिंक और मस्कारा जो कि मैं हमेशा मेकअप में यूज़ करती हूँ, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आप मेरा देखते होंगे कि मैं लैक्मी का ही मस्कारा यूज़ करती हूँ और वही मस्कारा मैं आपको यूज़ करने को बताती हूँ जो कि बहुत अच्छा मस्कारा है। तो आप को कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, मस्कारा का भी लिंक मैं दे दूँगी, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ले सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। और कैसा लग रहा है सिंपल में मतलब कि नॉर्मल कोई भी दुल्हन ना इस तरीके से तैयार हो सकती है, बस साड़ी पहनने की देर है। तो कैसा लग रहा है ये मेकअप बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।